मैं भी बहुत थक गया हूँ, मैं भी आराम करूंगा, गहरी नींद में सो जाऊंगा। उस नारा के हसीन ख्वाब मेरी आंखों में होंगे और उस नारा मेरी बाहों में होगी। उस नारा, अरे तिलस्मी सुरमेदानी की सुरमई परी, तुझे तेरा आका जलाल अपनी खिदमत में तलब करता है। हुक्म आका, क्यों याद किया? हम एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं सुरमई परी, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। हुक्म कीजिए आका, कनीज की जान भी हाजिर है। हमें छोटा बना दो सुरमई परी। छोटा बनना चाहते हो, लेकिन क्यों आका? हम अपनी जान पर खेलने जा रहे हैं सुरमई परी। जान पर खेलने जा रहे हो? हाँ, जान की बाजी लगाने। लेकिन क्यों? अपने माँ बाप को गुलफाम की तिलस्मी अंगूठी की कैद से आजाद कराने के लिए। अच्छा, तो इसलिए तुम उस तिलस्मी अंगूठी की दुनिया में जाना चाहते हो? क्या तुम अपने जादू से हमें इतना छोटा बना सकती हो कि हम गुलफाम की तिलस्मी अंगूठी में जा सके? बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं अपनी पूरी तिलस्मी ताकत लगा दूंगी। आप तैयार हो जाइए आका। दौलत, बहजबीन, आओ। रियासत और हुस्नारा, तुम भी आ जाओ।
जिन हवाबाज जाहिर हो, हाजिर हो, तुझे तेरा अकल जलाल अपनी खिदमत में याद करता है। जाहिर हो, हाजिर हो, जाहिर हो। मेरे फरमा बरदार, वफादार, उड़ने वाले तिलिस्मी कालीन, मेरे आका के कदम तले बिज्जा, जल्दी कर। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। संभल संभल के फूंक फूंक के कदम रखिएगा आका। ये गुलफाम की अंगूठी के अंदर आबाद तिलिस्मी दुनिया है, और ये तिलिस्मी दुनिया यकीनन बहुत खतरनाक और कातिल है, जिन्हें हवाबाज कदम रखते ही जमीन पैरों के नीचे से निकल गई। पता नहीं बिलाल, हुस्नारा और महजबीन कहां है। इस तिलिस्मी दुनिया की सरजमीन इंसानों को रास नहीं आती आका। मैंने यहाँ के जुल्मों और जबरों कहर के बड़े किस्से सुने हैं। खुदा ने चाहा तो जुल्म और जबर की इस तिलिस्मी दुनिया को मिटा डालेंगे, बर्बाद कर देंगे। ये उसी वक्त मुमकिन है आका, जब हम आपके वालदैन के साथ यहाँ से जिंदा और सलामत इस तिलिस्मी दुनिया से बाहर निकल पाए। इंशाअल्लाह हम इस तिलिस्मी दुनिया से जरूर निकल जाएंगे, जिन्हें हवाबाज। मगर हां, तुम रूपोश हो जाओ, मगर बेदार रहो, खबरदार और होशियार रहो। जो हुक्म आका। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि मैंने सही वक्त पर आपको देख लिया, वरना क्या जिने दौलत। वरना ये मलिकाए महजबीन, कि आप इस गहरी खाई में चली जाती और किसी को नजर भी ना आती। बिलाल कहाँ है? खुदा ही बेहतर जानता है। क्या हम लोग फिर से बिछड़ चुके हैं, एक दूसरे से जुदा हो चुके हैं? हाँ, अचानक एक जलजले ने हम सबको अलग कर दिया, मगर मुझे यकीन है कि बिछड़ने वाले ज्यादा दूर नहीं होंगे। तो चलो जिन्हें दौलत, अपने अजीजों को तलाश करें। आइए मलिकाए महजबीन। बिलाल, जलाल कहाँ है? यही तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर जलाल भाईजान कहाँ है? मैं बताता हूँ। मैंने अपनी तिलिस्मी ताकत से देख लिया है, जलाल आका कालीन पर उड़ रहे हैं,
खुदा का शुक्र है कि जलाल सही सलामत है। जलाल भाईजान शायद हमें तलाश कर रहे हैं, जिन्हें रियासत और जिन्हें दौलत, हमें फौरन भाईजान के पास ले चलो, वो हमारी फिक्र। बिलाल भाईजान, मैं जबीन, आओ आओ यहां सब आओ, आओ का शुक्र है कि इस बार हमारी जुदाई चंद लम्हों में खत्म हो गई और हम बिछड़े हुए फिर मिल गए। इन चंद लम्हों में तो मेरी जान ही निकल गई थी। इस तिलिस्मी दुनिया में पिछड़ कर अगर ना मिल पाते तो सारी जिंदगी इस तिलिस्मी दुनिया में सर पटक पटक के मर जाते। ऐसा नहीं कहते उस नारा, खुदा पर भरोसा रखो, वो हमारी सारी मुश्किलें आसान करेगा। के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जल्दी बता, तू मुझसे क्या चाहता है? हमारे लिए इस तिलस्वी सरजमीन पर सर छुपाने के लिए एक ऐसा मकान बना जिसमें हम सब खुश और महफूज रह सकें। अभी हुक्म की तामील करता हूँ आका, अभी महल तामीर करता हूँ, मगर खुशी की जमानत नहीं दे सकता। इस तिलस्वी दुनिया में खुदा का नाम लेने वालों के लिए खुशियां नहीं गम ही गम है। मेरे बस में तो सिर्फ महल तामीर करना है, सो मैं महल तामीर किए देता हूँ। नए महल में तशरीफ ले चलिए आका। बहुत खूब जिने जारी, चलो चलिए भाईजान। चलिए आका। करती है और तिलिस्म दुनिया पर हुकूमत भी, मगर मेरा एक बंदा जिब्रान
जिसे मैंने शैतान का नुमाइंदा बना दिया था, जिसे मैं इस दुनिया की सल्तनत सौंपने वाला था, वो मौत को अपनी आंखों के सामने देखकर घबरा गया और इंसान बन गया। नहीं आका, अगर इसी तरह लोग इंसान बनते रहे तो शैतान का कोई नाम लेवा नहीं रह जाएगा। इसीलिए तो परेशान हूँ मैं मलिकाए हैरत, जिब्रान के इंसान बन जाने के सबब से तो मैं कंगाल हो जाता। अगर तू न होती मलिकाए हैरत, जिब्रान के बाद तू ही एक मेरे खास अनीस बची रह गई है, इसे मैंने नेक इंसानों को गुमराह करने पर मुकर्रर किया है। ऐ मेरे आका, मैंने तिलस्मी दुनिया का ये फर्ज अच्छी तरह निभाया है। मैंने बेशुमार लोगों को गुमराह किया है, मैंने अनगिनत लोगों को गुनाहों के दलदल में ढकेल दिया है। कितने ही लोगों को मैंने हिर्स और लालच के अंधे कुएं में फेंक दिया है, हजारों दिलों में शैतान का घर बना दिया है। ऐ सामरी मेरे आका, तेरी बद्दुआओं से मेरी तिलस्मी सल्तनत का हर एक आदमी मेरे कब्जे में है। तेरी जगह अब मैं शैतान के नाम पे वहां हुकूमत करती हूँ, नेक कामों से रोकती हूँ और बुरे कामों की तरफ माइल करती हूँ। यानी कि तू ये कहना चाहती है कि तेरी सल्तनत में, तेरी तिलस्मी दुनिया में कोई भी एक ऐसा बंदा नहीं जो खुदा का नाम लेता है। बता मलिकाए हैरत, खामोश क्यों है? अब लगा कह गए, अब बांध अपनी तारीफों के पुल। आका सामरी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, चाहे ये दुनिया हो या चाहे मेरी तिलस्मी दुनिया। हम चाहे जितने लोगों को खुदा की तरफ से बहकाएं, पर ना जाने कैसे खुदा के नाम लेवा पैदा होते ही रहते हैं। याद रख मलिकाए हैरत, खुदा का एक बंदा भी बड़ा खतरनाक होता है। तेरी सल्तनत में, यानी तेरी तिलिस्मी दुनिया में अगर एक भी खुदा का बंदा पहुंच गया और तूने उसे हमारे रास्ते पर चलने पर मजबूर नहीं किया, तो हमारे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। मैं क्या करूं आका, खुदाई कुवत और इंसान का ईमान खुदा के किसी न किसी बंदे के सीने में महफूज रहता है। ईमान वो नूर है जो आग बनकर इंसान की शैतानियत को जलाकर राख कर देता है, इसलिए इस नूर की एक भी चिंगारी को खुला छोड़ने की हिमाकत न कर, हरगिज ये गफलत न कर। मलिका हैरत, ये राख ले जा। आका सामरी, इस राख का मैं क्या करूं? ये राख नेक इंसानों को गुमराह करेगी, उनके दिलों में शैतानियत के बीज बोएगी।